सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेनोवो की तरफ से आइडिया पैड गेमिंग 3 जेन 6 लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि लेनोवो इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है यहाँ पे ये लिस्ट हो चुका है एट एन प्राइस पॉइंट ऑफ 77,000 रुपीज। बाय द वे दोस्तों, ये एक्चुअल प्राइस है, एमआरपी जो है इसकी 1,07,000 रुपए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग इस लैपटॉप को अराउंड 76 या फिर 77,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ वीडियो को मैं और आगे बढ़ाऊं दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को लेनोवो इंडिया की जो ये लिस्टिंग है उस पर क्या क्या मिस्टेक्स इन लोगों ने की हुई है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, एएमडी वर्ड इन लोगों ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप अगर नीचे स्क्रॉल करें तो लोगों को मालूम चलेगा कि जो वेरिएंट लिस्टेड हैं दोस्तों वो टाइगर लेक इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाय द वे दोस्तों, इस वाले मॉडल में आप लोगों को आरटीएक्स 3050 देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं और आप इनके कुछ फोटोज देखते हैं तो यहां पे इन लोगों ने GTX 1650 मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि लेनोवो ने जो है पिछले साल के GTX 1650 वाले जो भी फोटोज थे वो यहाँ पे चिपका दिए हैं। वेल, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज फ्रेंड्स द वर्ड AMD, राइट? तो लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को AMD वाले वेरियंट भी आगे पीछे लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएंगे। Anyway, if you are new to my channel, then definitely consider subscribing to my channel. And friends, कुछ बजट लैपटॉप्स के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और जो सबसे बड़ा अपग्रेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए जंप करते हैं दोस्तों सीधे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले बार जो है सेम लैपटॉप इंटेल के i7 वाले वेरियंट में भी लॉन्च हुआ था, तो ये वाला जो लैपटॉप है दोस्तों इस साल भी आप लोगों को i7 वाले वेरियंट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आप लोगों को जो है RTX 3050 Ti देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, जहां तक मैं बात करूं पैनल की, तो टॉप एंड वाले मॉडल पे आप लोगों को 165 हर्ट्ज का 100% sRGB वाला पैनल देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज यहां पर निकल कर आती है। बात करें दोस्तों यहां पे इसके बैटरी की, तो पिछले साल की तरह सेम आप लोगों को जो है 3 सेल वाली 45 वाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है। स्टोरेज यहां पे दोस्तों आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे इस मॉडल में जो आपको स्टोरेज मिलता है वो 512 GB वाला देखने को मिलता है SSD। तो यहां पे आप चाहे तो 1 TB की हार्ड डिस्क भी अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि उसका स्लॉट आप लोगों को खाली देखने को यहां पर मिल जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे कीबोर्ड की, तो यहां पे आप लोगों को बेसिक व्हाइट बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाती है, और ऑप्शनल में आप लोगों को 4 RGB बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। ऑडियो फ्रंट में बात करें तो दोस्तों सेम पिछले साल की तरह 2x2 watt स्टीरियो स्पीकर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों पिछले साल से इस साल में जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोसेसर और आप लोगों को ग्राफिक कार्ड बदलते हुए देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना कुछ यहाँ पे खास आप लोगों को डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी अवेलेबिलिटी की, तो एज ऑफ नाउ आई थिंक आप जो है इसको परचेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली विद इन 1 to 2 weeks ये वाला जो लैपटॉप है आप लोगों को मिल जाना चाहिए खरीदने के लिए। एंड फ्रेंड्स, ये वाला लैपटॉप आप लोगों को जरूर ही अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और वहां पे जब ये आता है तो जरूर ही 2-3 और मॉडल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अगर आप इंटेल वाला मॉडल लेना चाहते हैं तो प्रीटी कॉस्टली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, अराउंड 77,000 रुपीज। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना प्राइस पॉइंट जो है इस लैपटॉप का हो, बट फिर भी अब ये यहाँ पे इतने प्राइस पॉइंट का है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन लेट्स होप कि ये वाला मॉडल जब लिस्ट हो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर तो इसकी प्राइसिंग समवेयर बिलो 75,000 रुपीज देखने को मिले। एंड बिलो 75,000 रुपीज के साथ में अगर आपको कुछ ऑफर्स देखने को मिलते हैं और उसी के साथ में आप कुछ ऑफर्स लगाते हैं, समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज आप इस लैपटॉप को लेते हैं, तो फिर भी मैं कहूंगा दोस्तों एक ठीक ठाक चॉइस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। कंसिडरिंग आपको लेटेस्ट लैपटॉप्स में उतनी ज्यादा चॉइसेस इस साल देखने को नहीं मिल रही हैं कंसीडरिंग दी प्राइस। आपका क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।